नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। 2024 के मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 17 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई, पूर्वांचल से अनुसूचित जाति सम्मेलन की शुरुआत हुई है और अब लगातार इसका कारवा बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है और पूरे यूपी के उन जनपदों को मथने में जुटे हुए हैं जहां पर पिछड़ा वोटर की संख्या ज्यादा है। आज कानपुर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ है, अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन। हालांकि विकास की सौगात भी देकर गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 501 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ, लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण था, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो अनुसूचित जात का सम्मेलन। और सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से लगातार जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग की में जितनी जातियां हैं, जितने वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं साधते नजर आए और एक तीर से कह सकते हैं कि दो निशाना भी सीएम योगी ने साधा है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है उसको लुभाने की कोशिश, उसके साथ जुड़ने की कोशिश, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ हमलावर दिखाई दिए हैं। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह यादव जी मौजूद हैं, कन्नौज से हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत एबीसी न्यूज में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवाब सिंह यादव जी आपके पास आएंगे, क्योंकि किदवई नगर में जो मंच सजा हुआ था अनुसूचित जाति सम्मेलन का, वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानती है, और यही वजह रही कन्नौज के तिरवा में जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल दिया था आप लोगों ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे या जो गुंडे थे, उन्होंने गुंडे शब्द का प्रयोग किया, वो शिलापट भी वहां से उठा कर लेकर चले गए थे। प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी नवाब सिंह यादव जी। मैंने कई बार कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वाणी वीर हैं, करते कुछ नहीं। जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है शायद पूरा संज्ञान में नहीं है। कन्नौज के लोगों जो काम किया जाता है वहां के परिदृश्य में रख के, वहां की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कन्नौज एक प्राचीन नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और कन्नौज पहले उसका मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था? उसका नाम था राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, कन्नौज मेडिकल, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, कन्नौज शब्द जुड़ा था, पहले कन्नौज के नाम से था। तो यहाँ ना दलित की बात थी, ना अगले की बात थी, ना पिछड़े की बात थी, ये कन्नौज की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला था, कन्नौज की धरती से जुड़ा मामला था। अगले पिछड़े दलित सभी लोग ये चाह रहे थे कि इस मेडिकल का नाम कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज है, वही बना रहे। नहीं, कन्नौज मेडिकल कॉलेज राजकीय मेडिकल कॉलेज आप बात कर रहे हैं, जब बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम उस मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया था, आप कह रहे हैं कि कन्नौज की जन भावनाओं का सम्मान किया गया। कन्नौज में पिछड़ा वर्ग भी रहता है, दलित भी रहता है, वो कभी नहीं कहेगा कि आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम बदल दिया। अरे आप FIR उठा के देखिए, जो उसमें FIR उसने कराई थी वोट तोड़ने की, उसमें दलित लोग ही थे। चलिए, तो अनूप अवस्थी जी से इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, अनूप अवस्थी जी से इसका जवाब लेते हैं। अनूप अवस्थी जी, जब अनूप जी, जब जन भावनाओं का सम्मान कर रही है समाजवादी पार्टी, उनकी मांग थी बदल दिया नाम, इसमें इतना बखेड़ा करने की जरूरत क्या? ये दलितों की मांग थी, ये पिछड़ों की मांग नहीं थी, ठीक है? ठीक है, अनूप जी से जवाब ले रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें देखिए उसका विरोध करने वाले दलित लोग हैं, कौन लोग हैं? चलिए अनूप अवस्थी जी, अगर जन भावनाओं का सम्मान किया गया, अनूप अवस्थी जी आवाज आ रही है आप तक? जी बताएं। जब जन भावनाओं का सम्मान किया गया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि दलितों की मांग थी कि नाम बदल दिया जाए, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का नाम बदल करके उसको राजकीय कन्नौज कर दिया जाए, कर दिया गया, इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, पहले तो उमेश जी, आज रामायण के रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती है और गुरु पूर्णिमा भी है। आज सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई, समस्त चैनल देख रहे हैं और प्रदेश के लोगों को। और जो बात नवाब सिंह जी कर रहे हैं कि बखेड़ा क्यों, सबको पता है, पूरे कन्नौज को पता है
कि 2012 से लेकर 2017 तक किस तरीके का तांडव हुआ। आप कन्नौज से चलिए, इटावा पहुंचिए, मैनपुरी पहुंचिए, सिकोहाबाद पहुंचिए, फिरोजाबाद पहुंचिए, आगरा पहुंचिए, हाथरस पहुंच जाइए जहां दलित बेटी जला दी गई। अरे भाई नवाब जी धैर्य रखिए थोड़ा, सुनने की भी। ठीक ठीक किस तरीके से इन लोगों ने, तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया, वो किसी भी समाज से हो, उनको ध्वस्त करने का काम किया, किस तरीके से अत्याचार किए, बाबा भीमराव अंबेडकर को क्या नहीं कहा, आज आज ऐसा प्रेम क्यों उमड़ रहा है? यही तो सवाल सपा का है, यही तो सवाल समाजवादी पार्टी कर रही है अनूप जी, कि आज इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। आप तमाम जगह ले गए, मिर्जापुर का भी जिक्र कर लीजिए, जहां पर एक दलित को बारात में घोड़ी पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो आज इतना प्रेम, यही सवाल समाजवादी पार्टी का है। और वापस आ जाइए एक बार उसी चर्चा पर जिसका जिक्र किया सीएम योगी ने, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का, अगर दलितों की मांग थी कर दिया गया। उमेश जी जी, इस देश के अंदर जितने भी सनातनी है वो किसी धर्म संप्रदाय के हो,